फिराक ने अपनी सियासी जिंदगी खत्म कर दी। इस दौरान में अपनी बहनों की शादी करने के लिए और बाप का कर्ज अदा करने के लिए उन्होंने गोरखपुर में अपने लक्ष्मी भवन को बेच दिया, एमए पास कर लिया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के लेक्चरर हो गए। उसके बाद से उन्होंने अपनी सारी जिंदगी शेर व शायरी में सर्फ की। सियाह पेड़ है अब अपनी आप परछाई, जमीन से ताम हो अंजुम सुकूत के मीनार, जिधर निगाह करें एक अथाह गुमशुदगी, जगा रहा है कोई आधी रात का जादू, छलक रही है खुमे गैब से शराब वजूद, फजाए नीम शबी नरगिसे खुमार आलू, कमल की चुटकियों में बंद है नदी का सुहाग, लगे हैं कान सितारों के जिसकी आहट पर उस इनकलाब की कोई खबर नहीं आती, सितारे हैं कि जहां पर है आंसुओं का कफन, जमीन से ताब फलक इंतजार का आलम, अब आओ मेरे कलेजे से लग के सो जाओ, ये पलकें बंद करो और मुझ में खो जाओ, और मुझ में खो जाओ, और मुझ में खो जाओ। अम्मा सो जाओ, अब सुबह हो रही है, बाबूजी अभी तक टहल रहे हैं। हाँ बिटिया, 30-32 साल से यही देख रही हूँ। उनकी शायरी की तारीफ करेंगे, उनको उनके ही शेर सुनाएंगे, केक साथ ले चलेंगे और इस तरह कीमत भी वसूल हो जाएगी, क्यों? हाँ। और इस साजिश में हम भी शरीक होंगे। हाँ हम भी शरीक होंगे। चलो फिर चलो। द मेकिंग ऑफ ए पोएट इज नॉट माई ऑटोबायोग्राफी, मेरी किताब एक गार्डन ऑफ एसेज को कितनी रॉयल्टी मिली थी? 10,000। और रीडिंग्स एंड रिफ्लेक्शंस का क्या हिसाब है? शायद 5,000। अच्छा ऐसा करो, इस बार 5,000 एडवांस मंगवा लूं। आओ आओ भाई आओ आओ बैठो। मैं अपनी किताब का इंट्रोडक्शन डिक्टेट कर रहा था, अब तुमसे बातें करके ताजा दम हो जाऊंगा। सर हम आपका बर्थडे मनाने आए हैं। क्या आज मेरा बर्थडे है? 28 अगस्त।
मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ। एक बेटा था, वो मर गया। अब तुम सबको देखकर जी खुश हो जाता है। आई हैव थाउजेंड्स ऑफ सन, थाउजेंड्स ऑफ डॉटर्स। आप इजाजत दें तो हम आपको आपके ही शेर सुनाए। लेकिन ना मौजू शेर ना सुनाना, नॉट आउट ऑफ मीजर। सर अब हम बैतबाजी शुरू करते हैं, सब आप ही के शेर होंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नीम के शेर लाओ। मौत एक गीत रात गाती थी, जिंदगी झूम झूम जाती थी, ये का शेर। ये जिंदगी के कड़े कोस याद आता है, तेरी निगाह करम का घना घना साया, ये का शेर। हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, खैर तुमने तो बेवफाई की, ये का शेर। अरे भाई ये तरीका छोड़ो, जिसको जो शेर याद आए सुना दे। छत के कम न हो ऐसी कोई शराब नहीं, निगाह नरगी से राना तेरा जवाब नहीं। न कोई वादा न कोई यकीन न कोई उम्मीद, लेकिन हमें तो तेरा इंतजार करना था। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे, ऐसा भी नहीं। तरस के काट दिए जिंदगी के दिन ए दोस्त, वो तेरी याद में हो या तुझे भुलाने में। दिलों को तेरे तबस्सुम की याद यूं आई, कि जगमगा उठे जिस तरह मंदिरों में चराग। मंजिलें गर्द की मानित उड़ी जाती हैं, वही अंदाजे जहाने गुजरा है कि जुथा। जो होठों तक तेरे महदूद रहती है, सहर होते उफक पर दूर तक वो मुस्कुराहट फैल जाती। तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। ये पर्दे के पीछे कौन खड़ा है? अपनी दायन जैसी सूरत दिखाने आ गई। ये हाल है फिलहाल का, चैन से शेर भी नहीं सुन सकता। गौतम बुद्ध ने ठीक कहा था, सबसे बड़ा आजाब है having to hate, और फिराक इस आग में जल रहा है। मुझे अपनी बीवी से नफरत है, जब खुदा ने इसे बनाया तो एक हाथी का पांव इस पर पड़ गया। अब ये भयानक सूरत उम्र भर के लिए मेरी हो गई है। ब्यूटी स्किन डीप बट अगलीनेस इज सो डीप, आई कांट बेयर दिस अगलीनेस। सर आप मेरी जरा बात सुनिए। आपकी बात बताएं, क्या कहेंगे आप? सर हम आपके लिए केक लाए हैं। सर आप मुझे यूनिवर्सिटी से निकलवा दीजिए, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए। यू हैव कम टू किल मी। सर यू शुड वर्शिप योर वाइफ। व्हाट आई शुड वर्शिप दैट अगलीनेस इनकार्नेट? जी हाँ, आपकी शायरी में हुस्न ही हुस्न है, लेकिन सर आप मोहब्बत के लिए तड़पते हैं। मेरी हर गजल की ये आरज़ू कि तुझे सच सजा के निकालिए, मेरी फिक्र हो तेरा आईना, मेरे नगमे हो तेरा पिराहन। अगर आपको आपके पसंद की जीवन साथी मिल जाती तो आप शेर नहीं कहते, बल्कि उसके चरणों में बैठे रहते। विदाउट दिस अगलीनेस वेयर वुड वी गेट आर इमॉर्टल फिराक सर? इमॉर्टल फिराक, ये तो तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? संस्कृति। तभी तो तुम इतना चहक रही हो। ये भारत का श्रृंगार रस बोल रहा है, इवन इन ए चाइल्ड द इटर्नल वुमन स्पीक्स। कोई भी औरत बदसूरत नहीं होती फिराक साहब। वंस अगेन मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर।